हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज बनाते हैं करमता भाजी, जो कि हमने बनाया है चने की दाल के साथ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं कि करमता भाजी हम कैसे बनाते हैं। तो ये होती है करमता भाजी। ये हमें इसकी लंबाई जो है ना बहुत बड़ी मिलती है, लेकिन हमें छोटी मिली है। छोटी वाली करमता है ये, और इसकी लंबाई भी बहुत बड़ी बड़ी होती है। इससे 4-5 गुना लंबी होती है करमता भाजी की लंबाई। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि ये है करमता भाजी, हम इसे करमता भाजी बोलते हैं। और इसे हम तोड़ते हैं हाथ से, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं इस तरीके से हम तोड़ते हैं। जब तोड़ते हैं तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा सफ़ेद सफ़ेद सा दूध निकलता है, तो इस तरीके से हाथ में दाग सी लग जाती है। तो वही मैं बता रही हूँ यहाँ पे। अब हम अच्छे से तोड़ लिए हैं ये करमता भाजी, और 4 से 5 बार हम धो लिए हैं ये। अब हम यहाँ पे दे लिए हैं कुकर। कुकर में पहले पकाएंगे चने की दाल के साथ। तो चावल के पानी में हमने चने की दाल डाल दिया है, फिर जो भाजी है वो डाल देंगे। फिर अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसमें अच्छे से सीटी लगाएंगे, एक सीटी। ज़्यादा देर तक पकानी नहीं होती है हमें, बस एक सीटी आने तक ही पकाएंगे। जो भाजी है वो थोड़ा सा वो गल जाए, और जो चने की दाल है वो भी थोड़ा सा ही गल जाए। मतलब 50% भाजी गलनी चाहिए और 50% चने की दाल गल जानी चाहिए। ज़्यादा एकदम से हमें नहीं पकाना होता है ये। तो इस तरीके से हम अच्छे से पका लेंगे। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। ऑयल डाल दिया है, ऑयल में हमने मिर्ची डाल दिया था, हरी मिर्च। अगर आप प्याज खाते हैं, प्याज लहसुन, तो प्याज लहसुन भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमने टमाटर डाल दिया। टमाटर डालने के बाद नमक डाल देंगे। नमक डालने से टमाटर बहुत अच्छे से गल जाती है। तो फिर वही टमाटर हमने अच्छे से पका लिया है 5 मिनट तक। फिर अब इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, फिर से अच्छे से पका लेंगे 1-2 सेकंड के लिए। फिर अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, फिर हम हल्दी पाउडर को भी पका लेंगे 5 से 10 सेकंड के लिए। फिर हमारे सारे मसाले पकने के बाद हम ये जो भाजी है हमें पकाया था, चने की दाल और करमता भाजी, वो हम डाल देंगे। चने की दाल और जो करमता भाजी है वो पकी हुई होती है, तो ज़्यादा देर तक पकाना नहीं होता है। बस डालकर 5 मिनट के लिए चला लेते हैं। तो इस तरह से हमारी करमता भाजी बनकर रेडी हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।